दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखिए एसएससी एमटीएस की जो आपकी आंसर की थी वो जारी कर दी गई है, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। तो एक एक स्टेप के साथ मैं आपको एसएससी की आंसर की निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो वीडियो में अगर आपकी आंसर की नहीं निकल पाई या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल मत कहना, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको आंसर की आपकी निकाल कर दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम टाइप करते हैं ssc.nic.in पर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए ये वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, जो कि ये हमारी वेबसाइट है जो कि हमने इसमें लॉग इन कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो जानते हैं अब इसमें आंसर की के बारे में। तो देखिए आंसर की निकालने के लिए जो आपको सबसे पहले जाना है वो जाना है इधर, देखिए इसमें जो आपका इधर ये ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो इस प्रकार से आपको इधर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो इधर आपको क्लिक करना है और इधर पर जो आंसर की लिखा हुआ है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर की पर क्लिक करने के बाद जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे इस प्रकार से, तो जब आप नीचे से ऊपर को लेके जाएंगे ना, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा आपके लिए वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये आंसर की, तो देखिए आंसर की, देखिए एसएससी एमटीएस 2019 अपलोडिंग ऑफ फाइनल आंसर की अलोंग द क्वेश्चन पेपर। तो जो कि आंसर की है वो अलोंग क्वेश्चन पेपर के अनुसार जारी कर दी गई है, तो उस पर आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा मैं आपको और आपकी आंसर की भी मैं निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो जिसको अपनी आंसर की निकलवानी है वो अपना रोल नंबर या जो कुछ भी आपको निकलवाना है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं निकाल कर आपके ईमेल आईडी पर कर दूंगा मेल, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करना कि अपनी आंसर की देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सामने ऐसे एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपको करना है नीचे क्लिक, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ जो क्लिक लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आप अपनी जो आंसर की है देख पाएं। तो देखिए दोस्तों पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपनी यूजर आईडी इधर और अपना पासवर्ड डालना होगा, जिससे कि आप अपनी आंसर की देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, ये सुबह सुबह ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है आंसर की। तो आप जल्दी से जाकर अपनी आंसर की देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं देखी जा सकती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना यूजर आईडी बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके आंसर की आपको बता दूंगा या आपको मेल कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल देखी जाकर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अपनी आंसर की चेक करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।